अस्सलामुअलैकुम, आज मैं बना रही हूँ बच्चों के फेवरेट आलू और चिकन कटलेट्स। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू, हाफ पीस चिकन ब्रेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, सॉल्ट 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ली है, चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा। आप इसको मैं देखते हैं बनाना कैसे है। सबसे पहले एक बर्तन में आपने आलू, चिकन, मिर्ची, नमक और ज़ीरा डाल के पानी डाल के बॉयल करना है। बॉयल पानी इतना डालना है कि बॉयल भी हो जाए और पानी इसका बिल्कुल ड्राई भी हो जाए। देखिए मैंने इतना पानी डाला है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और ये कुक हो चुका है पूरी तरह। अब मैं इसको मैश कर लूँगी अच्छी तरह से। मैश करने के बाद हमारे आलू मैश हो गए हैं। आलू को हमने थोड़ा मोटा मोटा रखना है, बिल्कुल इसको पतला नहीं कर लेना है। थोड़ा इसका ड्राई ड्राई मिक्सचर रहेगा, मोटे मोटे पीस रहेंगे थोड़े से। और इसके साथ ही मैंने लिया है मटर 1/2 कप, आप ज़्यादा ले सकते हैं। मटर को मैंने बॉयल कर लिया है और 1 टीस्पून मैंने लिए हैं हरी मिर्च, बिल्कुल जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर ली है उसकी, ताकि बच्चों के मुंह में इसके बड़े बड़े चंक्स ना आए। अब मैं इन दोनों को मिक्स कर लूँगी और इसके कटलेट्स तैयार करूँगी। मैंने ये कटलेट्स इसके तैयार कर लिए हैं। इसके लिए मुझे चाहिए और 1 अंडा चाहिए, जिसमें मैं इसको डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी। और ये ऑयल चाहिए हमें इसको फ्राई करने के लिए। अब इसको हम फ्राई करने लगते हैं। इसको बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से क्रिस्पी हो जाए। जब आपका ये एक साइड से फ्राई हो जाए तो आप इसको टर्न कर लें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, हल्की फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम में। ये हमारे फ्राई हो रहे हैं अच्छी तरीके से। इसमें आप हरा धनिया ऐड कर सकते हैं जिससे टेस्ट बहुत अच्छा होगा। मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन उससे ऐड करने से बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब हम ये पानी तैयार है, हम इसको डिश आउट करते हैं। ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं। ये मज़ेदार हमारे चिकन कटलेट्स तैयार हैं। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।